दोस्तों 17 सेंचुरी में भारतीय इतिहास के सबसे बड़े जिहाद के अंधे हिंदू हेटर औरंगजेब द्वारा सनातन धर्म की आस्था के केंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर को डिमोलिश करवाया गया। इस मंदिर की प्रोमिनेंस का अंदाजा हमें इसी बात से लग जाता है कि हमारे पुराणों में इस मंदिर को सबसे सेक्रेट 12 महाज्योतिर्लिंग में से एक माना गया है। डिमोलिशन के बाद जबरदस्ती इस मंदिर के रिलीजियस नेचर को बदला गया और इसके ऊपर गुंबद जैसे स्ट्रक्चर बनवाकर इसको सो कॉल्ड ज्ञानवापी मस्जिद डिक्लेयर कर दिया गया। आइए सबसे पहले इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। देखिए, ज्ञानवापी शब्द नाम से ही काशी विश्वनाथ का सब्सटेंटिव है। इसका मतलब होता है वेल ऑफ नॉलेज। इसका प्रूफ हमें 8 सेंचुरी में लिखे स्कंद पुराण और 14 सेंचुरी में लिखे गुरु चरित्र ग्रंथ में साफ साफ मिलता है। यहाँ तक कि औरंगजेब का विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। इसके अलावा इस घटना का उल्लेख हमें उस वक्त के मुगल हिस्टोरियंस की बुक जैसे मासीर आलमगिरी में भी साफ साफ मिलता है। आइए अब हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे चलते हैं। दोस्तों, आपको जानकर दुख होगा लेकिन विश्वनाथ मंदिर को इससे पहले भी 3 बार मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया था, लेकिन हर बार इस मंदिर का पहले से भी ज्यादा भव्य निर्माण करवाया गया। पहली बार 12th सेंचुरी में मोहम्मद गौरी के ऑर्डर पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जाता है। इस घटना का मेंशन हमें उस वक्त के पर्शियन राइटर हसन निजामी की किताब ताजुल मासिर में मिलता है। करीब 13th सेंचुरी के एंड के दौरान ही मोहम्मद शाह फारूकी दोबारा इस मंदिर को डिमोलिश करता है। तीसरी बार मिड 15th सेंचुरी में सिकंदर लोदी फिर एक बार इस मंदिर को तोड़वाता है और आप हिंदू सभ्यता का रेजिलियंस देखिए, फिर एक बार राजा टोडरमल द्वारा इस मंदिर को रिबिल्ड कर लिया जाता है। यहाँ तक कि औरंगजेब द्वारा जब मूल मंदिर को तुड़वा दिया गया, उसके बाद भी 18 सेंचुरी में अहिल्याबाई होलकर, जो कि इंदौर की महारानी थी, मूल मंदिर के बचे हुए प्रांगण में फिर से एक भव्य मंदिर बनवाती हैं और 19 सेंचुरी में राजा रंजीत सिंह 1000 किलो सोने से मंदिर के शिखर को सजवाते हैं। आइए अब आ जाते हैं ब्रिटिश राज के समय में। 1936 में मुस्लिम पेटिशनर दीन मोहम्मद मूल मंदिर को तोड़ के बनी इस मस्जिद के साथ साथ अब पूरे प्रांगण को हड़पना चाहता था, लेकिन हिंदू पक्ष अपने आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस ये प्रूव कर देता है कि इस जगह का रिलीजियस नेचर एक मंदिर का ही है। 7th सेंचुरी में चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग द्वारा जिस तरह विश्वनाथ मंदिर की भव्यता का मेंशन किया गया, उसको भी एविडेंस के तौर पर पेश किया जाता है। पर एविडेंटली मस्जिद की 4 में से एक दीवार आज भी पुराने मूल मंदिर के टूटे हुए रुइंस की ही थी, जहां उस वक्त के प्रेजेंट टाइम में भी मां श्रृंगार गौरी का पूजन किया जाता था, लेकिन दीवार के बाहर की तरफ से। इवन महादेव का नंदी भी मंदिर की दिशा में बैठा महादेव का इंतजार कर रहा था। लोअर कोर्ट सारे एविडेंस देखने के बाद इस बात को एक्नॉलेज करती है कि मंदिर को तोड़कर ही इस मस्जिद को बनवाया गया और मुस्लिम पक्ष की पिटीशन को डिसमिस कर देती है। उसके बाद दीन मोहम्मद उस वक्त के इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से अपील करता है और हाई कोर्ट मूल मंदिर को तोड़कर बने इस ढांचे को मुस्लिम पक्ष को दे देती है। इसके अलावा बाकी कॉम्प्लेक्स, बाकी प्रांगण को हिंदू पक्ष को दिया जाता है। साथ ही मस्जिद के नीचे दबे मूल मंदिर के तहखानों का एक्सेस भी हिंदू पक्ष को दिए जाने का ऑर्डर किया जाता है, लेकिन बाद में मुस्लिम पक्ष इस पर डिस्प्यूट कर देता है। 1991 में पंडित सोमनाथ व्यास, जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट थे मंदिर की पुरोहित फैमिली से, एक बार फिर से पिटीशन दाखिल करते हैं कोर्ट में। लेकिन उसी साल कांग्रेस एक कानून ले आई थी जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो कि एक सेफगार्ड देता है मंदिरों को तोड़कर बनी इन गुंबदों को। इसके अंडर एक कट ऑफ बना दी गई 15th of August 1947 की। इस डेट के बाद से किसी भी वर्शिप प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने पे मनाही हो गई। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन रखा गया, जो कि था राम जन्मभूमि का। इस कानून की मदद से मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट से सेशन कोर्ट की रूलिंग पर स्टे ले लेते हैं। अलेजेडली 2004 में मुलायम सिंह यादव अपनी मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से श्रृंगार गौरी का जो पूजन होता था मूल मंदिर की बची हुई दीवार के बाहर से, उस पर भी रोक लगा देते हैं। मुलायम सिंह यादव सरकार ने सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण के इरादे से 2004 में श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी। अब फाइनली आते हैं प्रेजेंट में। 5 लेडीज अलेजेडली एक सत्संग में मिलती हैं और उसके कुछ ही दिन बाद 18th अप्रैल 2021 को सेशन कोर्ट में एक लॉसूट फाइल करती हैं। इसमें 2 मांग की जाती हैं। पहला, पास्ट में जिस तरह हर दिन श्रृंगार गौरी की पूजा की जा सकती थी, उसको फिर से रिज्यूम करवाना, और दूसरा, श्रृंगार गौरी और बाकी डेटीज और उनके आइडल्स की ऑथेंटिकेशन को एस्टेब्लिश करना। इस बार हिंदू पक्ष ज्यादा तैयारी के साथ आता है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 का रेफरेंस दिया जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी स्थल कल्चरली 100 साल से पुराना है, उन पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। सेशन कोर्ट वाराणसी इसका संज्ञान लेती है और इस सो कॉल्ड मस्जिद की वीडियोग्राफिकल सर्वे का ऑर्डर देती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसका खूब प्रोटेस्ट भी करता है, लेकिन फाइनली सर्वे को 3 अलग अलग दिन में कम्प्लीट कर लिया जाता है। विद नो सरप्राइज, सर्वे में एग्जैक्टली 80 मीटर दूर नंदी के सामने 12 फीट ऊंचा शिवलिंग मिलता है और मस्जिद के अंदर 3 तहखाने भी मिलते हैं, जहां
जहाँ पे कई हिंदू डेटीज के आइडल्स और स्कल्पचर्स मिलते हैं दीवारों पे। हालांकि मुस्लिम पक्ष को रिप्रेजेंट करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शेमलेसली इस शिवलिंग को एक फाउंटेन बताते हैं। मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं पाया गया है, मस्जिद में जहाँ वजू खाना है उसमें फव्वारा है और वो सिर्फ फव्वारा है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है इस पर स्टे लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से वजू खाना को सील करने का ऑर्डर दिया जाता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने का फ्री एक्सेस दिया जाता है और वाराणसी कोर्ट में इसको लेके अगली हेयरिंग 23 मई को रिज्यूम होगी। अब मुस्लिम लॉ बोर्ड जो खुद को टॉर्च बेरर मानता है मुस्लिम पक्ष का, ये लोग खुद तो और एग्जाम के टाइम लिखी शरिया बेस फतावा आलमगिरी को फॉलो करते हैं और हिंदुओं के लिए कोर्ट लॉज का रेफरेंस देते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तब से और आज में करीब 350 साल बीत चुके हैं, लेकिन नंदी आज भी अपने स्थान पर भगवान शिव की प्रतीक्षा में बैठा है। आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम सच को जानिए। जिन्होंने 60 सालों तक देश के पॉलिटिकल सिस्टम को अपने वोट बैंक से हाईजैक कर रखा, साफ देखा जा सकता है कैसे ये लोग हैं और कैसी इनकी नीयत है और किस तरह दूसरों के मंदिरों को तोड़ कर उस पर कब्जा कर बैठे हैं। और सच के इतने एविडेंट होने के बाद भी उस सच का सामना करने की जगह उस सच को दबाकर रखना चाहते हैं और पूरी सोसाइटी को पब्लिकली टीवी के सामने धमकाते हैं। वजू खाना में शिवलिंग ही है और ये साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है। कहा नहीं जा सकता मेजॉरिटी सोसाइटी अपने टॉलरेंस के थ्रेशोल्ड को कब तक कायम रख पाएगी। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंभुनाथ रे।